जिम्मेवार कौन है कार्ड कटाने प्रशासन तो की मांग करते हो हाँ जी अंकल जी क्या हाँ जी मेरा नाम जी भगवंत सिंह है जी की गलबात हुई है गल ये है जी वोटा ने दिन एक दिन पहलों ये मेरे को आए ने तीन चार जने मैनू वोटा का नहीं कह के गए भी हाँ भी वोटा पायो या ना पायो मेरे घर के पिछले लंघे ने शाम इन्होंने 7 बजे के नाल कौन बंदे से जो सफा एम सी तीन चार बंदे है ये फिर आए आ एक घंटे बाद इन्होंने दारू की गड्डी लिया वो मेरे घर घल दी इन्होंने मैं दारू लाऊ नहीं दी मैं ले जाओ कुड़ी खसमों दारू मैं नहीं लाऊंगी घर इन्होंने उस युद्ध के इन्होंने रात पै गई जो ट्रेन मुड़ के फिर मेरे को इन्होंने टैलीफोन कराया इन्होंने ना कि प्रधान का अपना जो प्रधान आ की ना अपने शहर का प्रधान आ उन्होंने कहा हाँ भी कि कदया तू वोट नहीं पाया इदा रहे वोटा तू उन्होंने पाउंड मैं जी वोट मैं किसी पाई पावगा तू पावगा कोई गल नहीं वो कहते जे तू वोट सानू ना ना पाई तो फिर तेरा काम जो ढंडोवाला सरपंच ही कराने की ना जो इन गल कह रहे हाँ जी की ना की प्रधान का ना शहर का प्रधान अपना चीफ हरियाणा ठीक है अच्छा ये भी सानू आके दबके मारदा आ जरा सखा आ ये साढ़े महल के डिपू है डिपू कणक ड्रा धमका के इन्हें 12 बोरियां कणक दिया पहलों लिया भी मैं लंगर लाना आ नहीं तो मैं दिमाग करूँगा दूजी हरी फिर इन्हें 12 बोरियां चोरी कीतियां जे बाई चांस कल भी कुछ हो गया तो जिम्मेदार सखा होगा हाँ जी तो जो नीले कार्ड कट हो जे फिर इन्होंने मेरा नीला कार्ड जोड़ा आ उस रोह रोह के मेरा नीला कार्ड कट दिता हाँ जी होर मैं सरकार भी ये गल कहना हाँ मैं बाहर दुखदा फिर मैनू भी दिखाते धमकाते है जे मैं बाहर कुछ हो गया तो सखा जिम्मेवार होगा तो शहर का प्रधान जिम्मेवार होगा जो शहर का प्रधान कंडा शाहपुर तो मैं पिछले 15-20 सालों तो सोशल वर्क कर रहा मेरे कोई दुख लैके आता पर रात को 12 बजे भी आता मैं वो ना कल यहो जी घटना हुई कि लोग कणक लैन गए तो उन्होंने नाम भी कटे गए अच्छ कट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा रश सी लोग मेरे को आए उन्होंने मैं अपना दुख दसिया साढ़े नीले कार्ड ही कट्टे गए जोड़े बड़ी मुश्किल ना बनते हैं वो न वो कार्ड कट्टे गए उन्होंने कणक नहीं मिली फिर असं अच्छ कट्ठे हो गए एस डी एम साहब को गए एस डी एम साहब तो नहीं मिले नायब तहसीलदार जी मिले उन्होंने सानू विश्वास दवाया साड़ी गल सुनी बड़े समझे ना साड़ी गल सुनी और सानू दसिया विश्वास दवाया भी ये जल्द तो जल्द थोड़े नीले कार्ड फिर जल्दी बनाए जाएंगे पहला भी कांग्रेस सरकार वेले भी यही काम होंदे रहे पहला तो नीले कार्ड बनते ही बहुत औखे से चलो ऐ सरकार ने की किया जिहड़े बने हुए कार्ड दिते बहुत माड़ी गल पहला कांग्रेस सरकार के वेले भी कई पुठे सिद्धे काम चलो हुए आ रेहड़ियां वाले तो भी 500-500 रुपया लिया गया असं ये चाहते हैं भी ऐतकी यहोजा कोई काम ना हो कोई योजी जोड़े मोहरे मोहत भर बंदे उन्होंने तरीके नाल काम करना चाहिए गरीब बंद जोड़ना चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए ठीक है वेरीफिकेशन की आ कुछ बंद उन्होंने लिख के भी दिता भी वेरीफिकेशन जी तुम ओके आ वेरीफिकेशन से बावजूद भी ना कट्टे गए जबकि ये नाम कट्टने नहीं चाहिए से गरीब बंद जोड़ो असं तो यह कहने भगवंत मान जी ने भी चाहिए भी ये सरकार लोगों ने आस रखी सी सरकार वधिया काम करूगी पर यह तो उल्ट काम कर लग पे की फायदा यहोजी सरकार का
इसलिए सोच समझ के सरकार को स्टैप लेना चाहिए, गरीब बंदे की मदद करनी चाहिए। जिहड़े मोहतबर बंदे आ कई सियासी रोटियां सेकदे आ, कई आए साडे को बंदे ओह कहिंदे सानू दबके मारदे आ, सानू ओह करदे आ, नहीं करना चाहिए, गलत काम आ। इसलिए तरीके दे नाल लोगों का फायदा करो, इन्हां नू मुड़ के जिन्हां दे नीले कार्ड कट्टे गए आ पिछों सेंटर सरकार दे विचों कणक आ रही आ, इन्हां नू देण दे विच की इतराज़ आ मैनूं इह दस्सो। सेंटर सरकार एक सुविधा दे रही आ गरीब बंदे नूं, तुसीं उहदे नाम कट्टी जांदे आ, तुसीं कहड़ा घरों देणी आ कणक, गलत गल आ। इसलिए असीं इह कहिंदे आ वी सरकार नूं सही काम सही तरीके ना करो, कोई जिम्मेवार बंदे बिठा लो जिहड़े प्रोपर तरीके ना काम करन। हाँ जी भाई, की नाम तुहाडा? मेरा नरेंद्र कुमार कोहली, वार्ड नंबर 5 डिपू होल्डर शाहकोट, लसंस मेरा नंबर 200JU281। मेरे महल्ले का जरा इस वे सुखा MC जरा अपने आप को कहता है वा, और बिना वजह काफ़ी देर तो मैं परेशान कर रहा है, जबरदस्ती मेरिया गुरुद्वारे कणक लवादा और मेरिया बोरिया चुके लैन, जिड़े कि मैं कोलों पैसे दे के मुल लैके पूरी करनी पैंती है, और मेरे झूठे खिलाफ मेरे लोगों को भड़का के मेरे खिलाफ वो और मेरे को डिपू पहुँच जाता, और बार बार मैं यही धमकी दिता वा भी तू ये डिपू छड़ता क्यों नहीं है वा, और पब्लिक नाल भी ये धोखा करता वा, और मैनू ये कहता भी लोगों के कार्ड कटवा दे, मैं किसी का कार्ड नहीं कटवा सकता और ना ही कार्ड कटवाया। वेरीफिकेशन के बाद मेरा मतलब सारा गरीब तक वा, जबकि हम कि कई लोगों के कार्ड जोड़े उन्होंने कहने मुताबक कटे गए हैं, सो इन्हों की जाँच पड़ताल की जाए और इस बंद उत्तर नप पाई जाए। जी कणक तो ले रहा किस बेस से ले रहा है? जी गुरुद्वारे मेरी कणक लवादा रहा, जबकि गुरुद्वारे कणक ला नहीं सकते, असी ट्रक के खड़ी ट्रक खड़ा हो गए 30-30 किलो की बोरी असी उतों चुका सकते हैं, जी खुली कणक हैगी असं डिपो से लवा सकते हैं, जब ट्रक में जो कोई 5-10-20 बोरे लोग बाद लैके जाते हैं वो असं अपने किराया खिंच के अपने डिपो से लैके जाते हैं। जी सुखा डेसी तू कणक ले आ रहा? हाँ जी, इतलात हम के जबकि जी MC हैगा वा, यद कार्ड बनया हुआ वा, ये भी अपने की MC तौर पर कार्ड नहीं कणक नहीं लै सकता, और ये भी मेरे को जबरदस्ती इतलात हमा के कणक लैके जा रहा वा। किस बेस से ले रहा कणक? मैं पहले जी कांग्रेस का सगा MC सगा, हूँ आम पार्टी चले गया है, और अपनी यह चौधर दिखाता है वा, और सारे महल को जाके पढ़ लो 28 साल हो गए मैं डिपो कर दिया, मेरी कोई किसी कार्ड की शिकायत नहीं हैगी है। प्रशासन तो की मांग करते हैं? हाँ जी, प्रशासन तो की मांग करते हैं? हाँ जी, प्रशासन तो की मांग करते? प्रशासन तो मन करते हैं भी यह बंदे नत पाई जाए, जो बिना वजह पब्लिक को और डिपो होल्डर को या सरकारी बंदे को परेशान और तंग करता वा। हाँ जी सर, एक जो नीले कार्डां दे बारे एक आए थे, की मैटर है सारा? ये मैटर इदा जी भी शाहकोट तहसील के नीले कार्डां की वेरीफिकेशन की है EO डिपार्टमेंट ने, तो वेद कुछ जो लोग आ जिन्हें गलत कार्ड कट्टे गए भी जो डिजर्व करते हैं गरीब बहुत गरीबी पद्धर के तो भी थले की रेखा च रह रहे हैं, उन्होंने नीला कार्ड बनना योग से पर उन्होंने नीले कार्ड कट दिए गए, तो कई नीले कार्ड जिन्हें उन्होंने ओके भी लिख दिता वा भी तुम ये राहत लै सकते हैं, पर उन्होंने राहत बंद कर दी गई है। सो इस संबंधी शाहकोट तहसील के पिंडा के लोग शाहकोट के लोग सारे सानू एक मंग पत्र देने आए, तो बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैं उन्होंने मंग पत्र स्वीकार कर लिया, तो असी हुण इहदी एक कॉपी संबंधित EO नूं भेजांगे जिन्होंने नीले कार्डां दी इनकुआरी की है कि क्यों इनकुआरी दे उन्होंने जिहड़े कट्टे आ ते क्यों कट्टे आ की वह सही कट्टे आ उन्हां दी दुआरा पड़ताल करवा देंगे, तो एक इन्हां दी जिहड़ी कॉपी आ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट नूं भेज देंगे क्योंकि जिन्होंने राशन इन्हां नूं देना हुंदा जी, तो एक कापी असी मानजोग DC साहब जी नूं भेज देंगे ताकि जो भी जो कार्रवाई करके इन्हां नूं इन्हां दा बनता हक दिता जाए, क्योंकि जिस साहब ने दस रहा ये सारे ही लोड़वंद आ इन्हां सारयां नूं नीले कार्ड दी जी सरकारी स्कीम राशन की वो बहुत जरूरत आ, पर इन्हों कट के बहुत धक्का होया, सो असी अफसर भी सिफारिश करा इन्हों संबंधित महकमे को कहेंगे भी जल्दी तो जल्दी इन्हों का बनता हक दवाया जाए ताकि ये बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन सही ढंग बिता सकें।